राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, वागड़ का इलाका, ट्राइबल बेल्ट इसको कहा जाता है राजस्थान की, यहाँ पे इस बार सबसे क्रूशियल चुनाव हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दो मुख्य पार्टी जो है, कांग्रेस और बीजेपी, उसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी भी यहाँ पे मैदान में है, और जिसकी वजह से फाइट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और खास तौर पे भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार मेघाराम गरासिया हमारे साथ हैं, पिंडवाड़ा की सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। मेघाराम जी, ये बताया जा रहा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी जो है वो इस बार खेल बिगाड़ेगी किसी पार्टी का, किसका बिगाड़ेंगे? वो खेल नहीं, हम यहाँ से जो पिंडवाड़ा विधानसभा से 80 वोटों से जीत रहे हैं, और वो ओनली फॉर जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी का खेल बिगाड़ है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस का खेल बिगाड़ है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों का खेल बिगड़ने वाला है। अच्छा जी सर, 17 जितने उम्मीदवार शायद आप लोगों ने खड़े किए हैं, 27 उम्मीदवार आप लोगों ने खड़े किए हैं पूरे इन आदिवासी सीटों पे, क्या लग रहा है, कितना क्या प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्मीद है? देखो, एग्जिट पोल के अनुसार 27 में से करीबन 15 से 17 सीटें जीती जा रही हैं, तो कहीं के इस बार हम तो राजस्थान में सरकार बनाने में भी हमारी हिस्सेदारी बनेगी। ऐसा कह रहे हैं एक्सपर्ट्स के भाई आप लोग खुद तो नहीं जीतोगे लेकिन किसी को हरा दोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो सब अपने अपने स्तर पे जो बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां बुरी तरह से हारने वाली है। हमने देखा था पिछली बार जो आपके राजकुमार रोथ हैं वो बीटीपी से एमएलए थे, बाद में बीटीपी से आप अलग हो गए और अब एक नई पार्टी फ्लोट की है। नई पार्टी फ्लोट हम देखते हैं हर बार राजस्थान के चुनाव में होती है लेकिन कुछ खास कर नहीं पाती है। बिल्कुल, लेकिन इस बार देखो थोड़ा अच्छा ही होगा, मतलब नई पार्टी है लेकिन इतना रुझान है कि दोनों पार्टियों के आज बड़े बड़े मंत्रियों के और एमएलए के जो वीडियो आते हैं वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस बीच भी एक होकर भी हमें किसी कैंडिडेट को जिताना है, इस तरह के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो इस बार दोनों पार्टियों में घमासान है और दोनों पार्टियों में इतना डर महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं के इतने राष्ट्र पार्टी होने के नाते भी हमें इतनी बुरी तरह हार का सामना देखने के लिए मिल रहा है उनको। राष्ट्रीय पार्टियां ये कह रही हैं कि जो आप वादे कर रहे हो यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ, यहाँ के ट्राइबल जो युवा वर्ग है उसके साथ कि भाई 5वीं पास को हम नौकरी दे देंगे सरकारी, ये सब कैसे पूरा हो पाएगा? उनका ये कहना है कि इनके पास इतनी संख्या भी नहीं है। देखिए, 5वीं पास को नौकरी नहीं मिलती है, देखो वो वास्तव में जो एजुकेशन होता है उसके देखो अपना जो सरकार के नियम अनुसार ही नौकरियां मिलती हैं, लेकिन जो ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल इलाके में जो प्रावधान दे रखा है जो ट्राइबल एक जो टीएसपी क्षेत्र का, तो उसमें जरूर 10-5% की छूट होती है, उस आधार पे नौकरी दी जा रही है। ये बताइए कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो आप लोगों पे क्यों विश्वास करें? देखो, वो इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने हमारे ट्राइबल इलाका है जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो पिछड़ा वर्ग है, इनको सिर्फ पे वोट बैंकिंग के संबंध में यूज किया, बाकी इनका वास्तव में आज तक धरातल पे इनका काम नहीं किया है। जैसे कि आज तक हमारे ट्राइबल इलाके में आप भी हमारे साथ में अभी घूमे तो आपने देखा ही होगा कि जैसे कि रोड, पानी, बिजली, लाइट, चिकित्सा, विद्यालय, आज तक इससे जो मूलभूत सुविधा है वो आज तक हमारे इस इलाकों में नहीं पहुंची है। तो क्या लग रहा है आपको, 27 में से कितने, आप 15-16 बोल रहे हो, कितना एक जो हम कहते हैं रियलिस्टिक एक जो असेसमेंट है वो कितना होना है? वो 15 सीटें जीत रही है भारत जिस पार्टी इस बार। सीटें आप जीत गए तो फिर तो किसी की सरकार नहीं बनी। हाँ बिल्कुल, हम इस बार राजस्थान में जो भी सरकार बनेगी उसका दूसरा हिस्सा बनेगी। अच्छा जी सर, तो ये आपका अति आत्मविश्वास है या सही में कॉन्फिडेंस है? सही में कॉन्फिडेंस, मतलब आप देख ही रहे हो कि जैसे कि हमारा जो दक्षिण राजस्थान है ये पूरा, इसमें जो वागड़ क्षेत्र है उस वागड़ क्षेत्र में पूरी कांग्रेस बीजेपी साफ हो रही है, और हमारा ये जो ये इलाका है मरवाड़ा का जो पिंडवाड़ा विधानसभा है ये रिजर्वेशन सीट है, तो यहाँ से भी इस बार कांग्रेस बीजेपी बुरी तरह से साफ हो रही है। आप जिस सीट से लड़ रहे हो पिंडवाड़ा, यहाँ से बीजेपी का सांसद जो है एमएलए जो है वो दो बार से लगातार जीतता रहा और अच्छे मार्जिन से जीता है, पिछली बार भी 27,000 वोटों से जीता है, कैसे आप इस गैप को पूरा कर पाएंगे? और सामने कांग्रेस भी है तो फायदा या तो कांग्रेस को हो जाएगा या फिर बीजेपी को होगा। सर, वो ये बात ये है कि जो वर्तमान में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी,
और यहाँ का एमएलए हमारा जो बीजेपी का था, तो उससे पहले बीजेपी सरकार थी और एमएलए साहब भी यहाँ से बीजेपी का ही था, तो फिर भी हमारे जो आज तक लगातार 10 साल रहने के बाद में भी हमारे जैसे कि हमारे महाविद्यालय है जैसे कि पिलवाड़ा की, वो 2018 में सेंक्शन हुई, उसके बाद भी आज तक उसका जो बिल्डिंग वर्ग भवन तैयार नहीं हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीजें वो आज तक जैसे हमारे ये पिनवाड़ा जो नॉन टीएसपी में मैं ये कह रहे हैं 27,000 की लीड को कैसे काटेंगे सर? 27,000 की लीड वो एक मोदी लहर थी और इस बार मोदी लहर चलने वाले नहीं है, यहाँ की जनता पूरी त्रस्त गई है और त्रस्त होने के बाद में इस बार मतलब लोगों ने पूरी तरह से अपनी भारत पार्टी को मतलब की तरफ रुझान बढ़ा दिया है और आज जो अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जितने यहाँ पर हमारे ट्राइबल्स जो वोटर्स है वो एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं भारत पार्टी को जिताने के लिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं, एक लिहाज से तो आपकी बात सही है कि यूथ जो है खास तौर पर ट्राइबल यूथ वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ काफी बड़ी संख्या में जुड़ता हुआ दिख रहा है और इसीलिए इस पार्टी की प्रेजेंस ने हर साल हमने देखा राजस्थान के चुनाव में रोज हर साल नई पार्टियां आती हैं, इस बार भी करीब 12-13 नई पार्टियां जो है उन्होंने रजिस्टर करवाया चुनाव से पहले खुद को, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने इस पूरे चुनाव को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। हालांकि ये क्लेम कर रहे हैं कि 15 जितने एमएलए इनके जीतेंगे, जीतते या नहीं ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है जिस प्रकार से इन्हें समर्थन मिल रहा है ये किसी ना किसी का खेल जरूर बिगाड़ेंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, पिंडवाड़ा।